राशि वालों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कुंभ राशि वालों, 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। दोस्तों, जहां एक ओर शुक्र के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर हलचल होती दिखाई देगी, तो वहीं आपकी राशि पर शुक्र का गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में शुक्र सुख भाव एवं भाग्य भाव के लोड होकर दैनिक व्यवसाय के भाव में स्थित है, यानी कि सिंह राशि में विराजमान है। वह आपके लिए राजयोग बना रहा है। कुंभ राशि वालों, शुक्र ग्रह पिछले काफी समय से यानी कि 22 जून 2021 से लेकर 17 जुलाई 2021 तक कर्क राशि में स्थित होकर विराजमान थे, वह अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी राशि से सातवें भाव में यानी कि प्रेम भाव दैनिक व्यवसाय भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और इस शुक्र राशि परिवर्तन का असर आपके ऊपर इसलिए पड़ने जा रहा है क्योंकि सातवें भाव में मंगल के साथ शुक्र की युति होने से धन योग का निर्माण हो रहा है। तो दूसरी ओर जय भवन में भी सूर्य के बाद बुध भी प्रवेश कर जाएंगे, जिसके चलते आपको बहुत ही शुभ आश्चर्यजनक एवं सावधान परिणाम प्राप्त होने जा रहे है। 17 जुलाई से मंगल शुक्र और इसके बाद सूर्य बुध की युति होने जा रही है, इसका आपकी राशि कुंभ राशि पर क्या असर होगा, कैसे बीतेंगे आने वाले 25 दिन, क्या आपके मन की मुराद पूर्ण होगी या मन की मन में रह जाएगी, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो रहा है, यानी कि दैनिक व्यवसाय भागीदारी प्रेम काम वासना के भवन में हो रहा है, जिसके कारण 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त का समय आपके लिए परिवर्तन लेकर आएगा। पारिवारिक और विवाहित संबंध मधुर होंगे, तो वही करियर की दृष्टि से भी समय लाभ देकर जाएगा। विशेषकर रत्नात्मक क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को नए अवसर मिलेंगे। संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि जो उचित फल प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में लाभ प्राप्त होगा। आपके प्रभाव के चलते, आपकी योग्यता के चलते, आपकी मेहनत एवं प्रयत्न के चलते यकीनन इस समय कार्य में रफ्तार बढ़ेगी। जिन लोगों के पास कार्य नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा। जो लोग धन से वंचित है यानी कि भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है, उन्हें सहयोग मिलेगा। जिन लोगों को व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान अब मुनाफे में तब्दील होगा। जिन जातकों को अदालती मामलों का सामना करना पड़ रहा था और वहां पर फैसला आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस अवधि में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। कुंभ राशि के जो जातक दीर्घकालिक निवेश के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, उन्हें अवसर मिलेगा, यानी कि 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त की अवधि कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभदायक रहेगी। इस समय मित्र का सहयोग मिलेगा तो परिचय एवं भागीदारी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भवन में स्थित होकर शुक्र अपने चतुष्पाद दृष्टि से कर्म व्यापार भवन पर नजरें लगाई है, जिसके ही कारण इस समय आप में नया जोश उत्साह आएगा, उचित निर्णय ले पाएंगे। चाहे वह व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए जातक ही क्यों न हो, या फिर आप बड़े उद्यमी, बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़ी बड़ी संस्था से जुड़े हुए लोग ही क्यों न हो, इस समय निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल एवं शुक्र की युति के चलते इस समय आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यदि आपने कहीं पर लोन के लिए अप्लाई किया है तो वह लोन मंजूर होगी। आप ठेका प्राप्त करना चाहता है तो अपने प्रोजेक्ट को पास कराना चाहते हैं, तो यकीनन यही अवधि है जहां पर आपको लाभ मिलेगा, पिछले समय का घाटा पूर्ण कर पाएंगे। यहां तक भाग्य के सहयोग के ही चलते आपको विविध रूप से धन मिलेगा, चाहे वह शेयर बाजार, सट्टे, पैतृक संपत्ति, राजकीय, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी योजना का लाभ मिलने से प्राप्त हो। एक बात तो तय है कि धन अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि के जो महानुभाव दुनिया बदलने चले हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें इस अवधि में न केवल अवसर मिलेगा किंतु वह सोचे हुए आयोजनों को भी हकीकत में तब्दील करने में सफल रहेंगे। जहां इस महीने यानी कि शुक्र राशि परिवर्तन जुलाई 2021 में राजयोग का निर्माण होगा और उसी के ही चलते अवसर मिलेगा। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर भूकंप, सुनामी, आंधी, कोई भी आपका रास्ता रोकने में सफल नहीं रह सकते, और यह बात सच भी होती नजर आ रही है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपको विशेष तौर पर ऑफिस में प्रगति मिलेगी, उन्नति मिलेगी। आपके खुद के शत्रु परास्त होंगे, वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके कार्य की उपलब्धि के ही चलते आपको तरक्की यानी कि पद भी दिया जा सकता है, आपकी पदोन्नति होगी, लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और वह भी आसानी से। इसका ही नतीजा होगा कि उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, तो उसी के ही चलते यात्रा का अवसर मिलेगा। धन, पैसा, दौलत, रुतबा, सुख, साहिबी, ऐशो आराम, यह सब शुक्र के गोचर में ही प्राप्त होता है और आपको मिलेगा।
ज्योतिष में कहा है कि कुंडली में कोई ऐसे महायोग होते हैं जो जातक को सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी होते हैं जो जातक की मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। वैसे तो मैंने पहले ही कहा है, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन करके थक चुके हैं, अभी तक उचित फल प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि कार्य करने का अवसर नहीं मिला है, उन्हें नौकरी मिलेगी, उचित जगह पर कार्य कर पाएंगे। छोटे उद्यम, बड़ी संस्था या कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आपको किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, आप हुनर के दम पर वहां पर अपना स्थान जमाने में भी कामयाब रहेंगे और यह नौकरी लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी भी बनेगी। तो वही जिनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल चुका है, रिश्तों में तनाव बढ़ चुका है, शुक्र के गोचर में तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो अपने प्रियतम से दूर रहकर कार्य कर रहे थे, उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा और जो सिंगल है, उन्हें यकीनन इस अवधि में यानी कि शुक्र के गोचर में प्रियतम का सुख प्राप्त होगा। देह सुख, सैया सुख अवश्य मिलेगा, यानी कि रोमांस का तड़का इस समय आपकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। तो वही विदेश से जुड़ा हुआ रिश्ता या फिर विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन सप्तम भवन में स्थित शुक्र आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी, पिता से शत्रुता, मातृपक्ष से नुकसान, रोगों से जुड़ी समस्या, यहाँ तक किसी बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकता है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।